मोबाइल फोन स्लो या हैंग प्रॉब्लम, ये हमेशा से हर एक स्मार्टफोन के ऊपर में रहा है और स्मार्टफोन के बीच में ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है कि आज के डेट पे भी कोई भी स्मार्टफोन जो है हैंग होता है या फिर टाइम के साथ में स्लो होता है। देखो आज के डेट पे एक नॉर्मल से स्मार्टफोन के ऊपर में 4 GB का रैम, अच्छा सा प्रोसेसर और 64 GB का स्टोरेज मिलना आम सी बात है, फिर भी हमारा जो फोन है वो टाइम के साथ में स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो उसका कुछ एक्चुअल में रीजन है जिसके वजह से आप अपना जो स्मार्टफोन है उसको स्लो कर देते हो और आप चाहो तो अपना जो स्मार्टफोन है उसको पहले की तरह उसका जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, कुछ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जिन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके आप अपना जो पुराना स्मार्टफोन है उसका स्पीडअप को जो है बूस्ट कर सकते हो और अच्छी तरीके से आप अपना स्मार्टफोन का जो हैंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, तो मेक श्योर इस वीडियो के अंदर देखते रहना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के डेट पे अगर आपके पास में कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन है और फिर भी आपका जो स्मार्टफोन है वो हैंग करता है, स्लो चलता है, तो इसमें आपकी गलती है। आपको प्रॉपर तरीके से आपके स्मार्टफोन का सेटिंग को रखना नहीं आता, इसी वजह से आपका जो स्मार्टफोन है वो हैंग करता है। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ और उन टिप्स एंड ट्रिक को जो है फॉलो करके आप अपने फोन का जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला टिप्स है आपके फोन का नोटिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन की वजह से ना आपके जो स्मार्टफोन है वो काफी टाइम जो है हैंग कर जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलो कि आपके फोन में जो है 10 एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दिया, 10 एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आप ही के फोन में आएगा और आप जैसे ही फोन का जो डेटा है उसको ऑन करती हो तो 10 एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो एक ही बार में आपके फोन में आ जाते हैं और ये जो नोटिफिकेशन है ना ये आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है उसको काफी ज्यादा डाउन कर देते हैं। तो इसका सीधा सा जो है आंसर ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है उसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो। जब तक आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करोगे उस एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपके डैशबोर्ड पे शो नहीं होगा, इससे आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा अच्छा चलेगा। अब टिप्स नंबर 2 की बात करते हैं, तो जो एप्लीकेशन को हम यूज नहीं करते हैं उन एप्लीकेशन को हम फोन में रखे ही क्यों, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हो उन एप्लीकेशन को आप ऑन इंस्टॉल कर दो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो कि ऑन इंस्टॉल होते ही नहीं है, जैसे कि MI के फोन में आप ले लो, Samsung के फोन में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि ऑन इंस्टॉल ही नहीं होते हैं। तो उन एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग में जा सकते हो और उन एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको क्लियर कर सकते हो और उनको फोर स्टॉप कर देना, ठीक है, और उन एप्लीकेशन को जो है जो डेटा है या फिर जो स्टोरेज है वो बच जाएगा, आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब टिप्स नंबर 3 है वो ये है कि इन सारी चीजों के करने के बाद में आपको आपके फोन का जो कैच डेटा है ना उसको भी रिमूव करना है। देखो पहले के टाइम पे ना जो हैंग वाला प्रॉब्लम आता था वो अलग तरीके से आता था, आज के डेट पे जो हैंग प्रॉब्लम या फिर मोबाइल फोन स्लो प्रॉब्लम है ना वो अलग तरीके से आता है। आज के डेट पे आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होता है तो कहीं ना कहीं उसका मेन रीजन होता है उस फोन में जो कैच डाटा है ना वो काफी ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से आपका फोन स्लो परफॉर्म कर रहा है। उसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो प्ले स्टोर में जा सकते हो, वहां पे फाइल्स गो नाम का एक एप्लीकेशन मिलता है जो कि गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे क्लीन नाम का एक सेक्शन जो है होता है और क्लीन के ऊपर में आप क्लिक करोगे तो आपके फोन का जो कैच डाटा इंफॉर्मेशन है वो वहां पे शो कर देगा। आप उस वहां पे क्लिक करके आपके फोन का जो कैच डाटा है उसको रिमूव कर सकते हो, इससे आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। इनकेस आपके पास में अगर MI का फोन है तो MI के फोन में MI का खुद का क्लीनर एप्लीकेशन आता है तो उससे भी आप अपना जो कैच डाटा है उसको रिमूव कर सकते हो। ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, इसे आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। अब टिप्स नंबर 4 की बात करते हैं, वो एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर इन सब चीजों को करने के बाद में भी आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा आप सेटिंग में जा सकते हो, अबाउट फोन में जा सकते हो, वहां पे बिल्ड नंबर नाम का एक सेक्शन होता है, वहां पे आप टैप कर सकते हो, ठीक है, 5-6-7 बार आपको वहां पे टैप करना है। इससे आपके फोन का जो डेवलपर मोड है वो अनलॉक हो जाएगा और डेवलपर मोड के अंदर में आपको जाने के बाद में विंडोज एनिमेशन स्केल नाम का
एक ऑप्शन जो है शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1x यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है, इसे आप 0.5x के ऊपर में शिफ्ट कर सकते हो। नीचे में जो ड्यूरेशन स्केल होता है उसे भी 5x के ऊपर में शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांजेक्शन विंडोज एनिमेशन स्केल होता है उसे भी आप 0.5x के ऊपर में जो है शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बूस्ट अप हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक अपने हिसाब से देना चाहूंगा कि आप जब यूज नहीं करते हो हॉटस्पॉट को, वाईफाई को, या फिर जो लोकेशन वाला सीन है, तो आप उसे जो है एकदम से बंद कर सकते हो। मैंने काफी टाइम देखा है कि बहुत सारे लोग जो अपना लोकेशन है ना उसको ऑन करके रखते हैं। अगर आपका यूज नहीं है तो उसे ऑन करके ही क्यों रखते हो भाई, आप उसे ऑफ कर दीजिए। आपके फोन के ऊपर में जब तक आप एक्स्ट्रा लोड नहीं डालोगे ना, आपके फोन कभी भी स्लो नहीं होगा, कभी भी उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा। तो गाइस मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताए, इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके आप देखना आपके फोन का जो हैंग प्रॉब्लम है ना वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप अपने फोन का एक बार हार्ड रिसेट कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।